नमस्कार बंधुगण, आपण मानंकु स्वागत करुछि ए व्यवसाय एवं आर्थिक शिक्षण अभियान को। मु हेउछि टंका, मो ना रूपा। मु नै करि आसीछि आपणक पई उन्नति आ विकासर रास्ता, जहाँ उपरि चली आपण निज जीवन रे आनी परिबे सकारात्मक परिवर्तन। मु होछि राजु। मु बाउंस व्यवसाय सहित संप्रुक्त हेइ सारलिनी, किंतु डर लागुछि जे काळे व्यवसाय रे खेती हि जीवो। बाउंसर विकास, भंडारण एवं ता उपरे उत्पादन एवं निर्माण स्तर रे अनेक प्रकार विपदर आशंका थाए। बाउंस रे मध्य अनेक प्रकार पोक, फिंपी ये सब लागिबार संभावना थाए। दीदी, कोनो एभळे विपद आशंका को नियंत्रित करा जाय परिबो? बिल्कुल राजु, सबु नुआ काम रे तो विपद थाए, तेनु विपदरु रक्षा पाइबार उपाय विषय जानिबा जरूरी। आम जीवन रे भी तो विपद आसे, जे आसंता काली जदि किछि दुर्घटना हेबो आउ आमे रोजगार करिबा पई योग्य न रहिबा, पाछति घरर सबु जमा पूंजी चोरी हे जाय इत्यादि, एथि पई जरूरी होछे ए विपद को कम करिबार उपाय करा जाउ। अच्छा दीदी, तबे पुनी यार उपाय कोन? यार गोटिए उपाय होछे बीमा। बीमा विपदरु रक्षा बा पुनी एहाकु कम करिबार एकमात्र साधन, जहाँ कौनसी भी अप्रिय घटना द्वारा हेबाकु थिबा आर्थिक क्षति को कम करिथाय एवं बीमा नेइथिबा व्यक्तिंकु सुरक्षा प्रदान करिथाय। मने कर कौनसी प्राकृतिक विपर्यय द्वारा तुमर फसल नष्ट होइगला बा नहले दोकान ने निया लागला बा तुमे दुर्घटनाग्रस्त बा रोगरे पड़िगल, तबे एपरि अवस्था रे तुमको बड़ धरणर क्षति उठेबाको पड़ी पारे। तुम जीवनर गाड़ी अटकी जाय पारे आउ एही समस्या रु उद्धार पाइबा पई तुम पाखरे ऋण छड़ा किछि रास्ता भी रही नथाय। किंतु जदि तुमे बीमा करि रखिछ, तेबे तुमर एही क्षतिर तत्कालीन क्षतिपूरण बीमा करिथिबा कंपनी करिथाय आउ जीवनर गाड़ी पूर्ण थरे कोनोसी बाधा बिना चालिबाकु लागे। किंतु बीमारु मिलिथिबा सहाय किछि समय पई ही कामरे आसीथाय, तेणु एथि पई बीमा हेबा सत्वे भी आमे संचयर अभ्यास करिबा उचित। दीदी, तेबे त हम समस्तक पई बीमा बहुत जरूरी। बिल्कुल, प्रत्येक व्यक्तिर बीमा हेबा उचित। बीमा नीच एवं नीच संस्थान रे काम करथिबा अन्य लोकंकर मध्य करैबा दरकार। बहुत लोकंकर एका संगरे ग्रुप बीमा मध्य करा जाय। देखो, आमो समस्तंक जीवन रे त विपद लागि रही थाय, केबे रोगर विपद त केबे प्राकृतिक विपर्यय रा आशंका, दुर्घटना, चोरी, हठात मृत्यु इत्यादि। एभळी अवस्था रे आमे विपदरु बंचिबा पई अति कम रे गोटिए बीमा त आमको करिबा दरकार। आमे बीमा को मध्य गोटिए जरूरी खर्च बोली पुछिबा दरकार। अति कम रे गोटिए, यहारो माने कोन दीदी? हां बिल्कुल, कारण बीमा मुख्यतः दुई प्रकार होई थाय, जीवन बीमा एवं साधारण अणजीवन बीमा। आम देश में केतेक सरकारी बीमा थाए जहाँ सरकार करती, आउ किछि बीमा पंजीकृत कंपनी गुड़िक द्वारा करा जाय थाए। LIC, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इत्यादि बीमा कंपनी सरकारी, किंतु ICICI लोम्बार्ड, बिरला सनलाइफ कंपनी, बजाज अलियंस, भारती एक्सा भली कंपनी बेसरकारी बीमा प्रदान करिथांती। व्यक्तिर जीवन रे हेउथिबा कोनोसी अप्रिय घटना, जेमिति कि कहार मृत्यु हेजिबा, दुर्घटना द्वारा विकलंगता, पुणि वयसर शेष पर्यायर जेतेबेले आमे रोजगार करिबा योग्य न रहंती, एही समय रे जीवन बीमा आमको आर्थिक सुरक्षा प्रदान करिथाय। बीमा नैथिबा व्यक्तिर मृत्यु जदि बीमा अवधि पूरा हेबा पूर्वरु हेजाय, तेबे जीवन बीमा अंतर्गत एक निर्णीत राशि तांका घर लोकंकु दिया जायथाय। देशरे सरकारंक द्वारा जीवन बीमा हेला प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना अर्थात PMJJBY अर्थात गोटे टर्म इन्सुरांस प्लान, जहाँपाई सर्वनिम्न 18 वर्ष एवं सर्वाधिक बयस 50 वर्ष हेबा दरकार। एही पॉलिसीर परिपक्वतार बयस 55 वर्ष। एही योजना पई वार्षिक प्रीमियम 330 टंका एवं परिमाण तुमर बैंक खातारु ECS अर्थात इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम माध्यम रे निया जाय। ECS हेउछि गोटिए व्यवस्था जहाँ माध्यम रे बैंक आपणंक सहमति द्वारा एक निर्दिष्ट अवधि रे आपे आपे परिमाण नै जाय। एहा अंतर्गत टर्म प्लान को प्रतिवर्ष नवीनीकरण करिबाकु पड़िथाय। ए बीमार राशि 2 लाख टंका एवं एथिरे निवेश परे जदि व्यक्तिर मृत्यु हे जाय, तेबे परिवार को 2 लाख टंका मिलिथाय।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା ବୀମା ଯୋଜନା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା ବୀମା ଯୋଜନାର ଲାଭ 18 ବର୍ଷରୁ 70 ବର୍ଷ ବୟସର କୌଣସି ବି ନାଗରିକ ଉଠାଇପାରନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ବୀମା ଧାରକଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସ 1 ଟଙ୍କାର ପ୍ରିମିୟମ ଜମା କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବୀମା ଯୋଜନାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରାଶି ମିଳିଥାଏ। ଦେଖ ଜୀବନ ବୀମା ବି କେତେ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ। ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପେନ୍ସନ୍ ପଲିସି ବି ଅଛି, ଯାହା ସେତେବେଳେ ମିଳିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ରହନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେମିତିକି ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା। ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଅସଙ୍ଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଜନକ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ 60 ବର୍ଷରୁ ତୁମକୁ ଅତି କମ୍‌ରେ 1,000 ଟଙ୍କା ଆଉ ସର୍ବାଧିକ 5,000 ଟଙ୍କା ମାସିକ ପେନ୍ସନ୍ ମିଳିପାରେ। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ବୀମା ନେଇଥିବା ଲୋକର ଅସାମୟିକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ତାର ପରିବାରକୁ ବୀମାର ଫାଇଦା ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ବୟସ 18-40 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଅତି କମ୍‌ରେ 20 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଦିଦି, ଏବେ ସାଧାରଣ ବୀମା ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ ନା। ହଁ, ଦେଖ, ସାଧାରଣ ବୀମାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବୀମା କରିବା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଜରୁରୀ। ପରିବାରରେ କେହି କେବେ ବି ରୋଗ ବା ଦୁର୍ଘଟଣା କାରଣରୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ନେଇ ଆମେ ଏହି ପ୍ରକାର ଡାକ୍ତରଖାନା ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇପାରିବା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଫସଲ ବୀମା, ବ୍ୟବସାୟ ବୀମା, ପଶୁ ବୀମା, ଘରର ବୀମା ମଧ୍ୟ କରାଇପାରନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ ଯେ ବୀମା ପଞ୍ଜୀକୃତ କମ୍ପାନୀରୁ ବା ନହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ବୀମା ପଲିସି ହିଁ ନେବା ଉଚିତ, ଯେମିତିକି ବ୍ୟାଙ୍କ, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ, ବୀମା ଏଜେଣ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି। କେବେ ବି ଖାଲି ବୀମା ପଲିସି ଉପରେ ହସ୍ତାକ୍ଷର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦିଦି, ମୁଁ ତ ଚାଲିଲି ଶୀଘ୍ର ମୋର ବୀମା କରାଇବା ପାଇଁ। ହଁ ହଁ, ଯାଅ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୀମାର ଲାଭ ବିଷୟରେ କୁହ।